हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रिद्धि अग्रवाल और आज हम जो है दूसरी चीज़ पढ़ेंगे जो कि SBI PO मेंस, RRBPO, SBI क्लर्क और बाकी सारे जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान को भरें, खाली स्थान को भरें जो आता है आपका, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर केयरफुल थाट I brought for my daughter a combination dash with little shiny stones that could even be mistaken for diamonds. इन पांच में से हमें ये ढूंढना है जो यहाँ पे फिट बैठेगा। तो इसमें क्या बोल रखा है, आफ्टर केयरफुल थॉट, मतलब बहुत सोचने के बाद मैं अपनी बेटी के लिए एक कॉम्बिनेशन लेके आया जो कि डैश था लिटिल शाइनी स्टोन्स से, छोटे छोटे चमकते हुए पत्थरों से डैश था वो। तो डैश की जगह प्रेजेंटेड था या लुक था या हिड था या डेकोरेटेड था या पुट था, क्या था? ठीक है, और ऐसे स्टोन्स थे, ऐसे पत्थर थे जो कि एक बार की देख के ऐसा लगे कि डायमंड्स हैं जबकि डायमंड्स नहीं थे। तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो क्या था उन स्टोन्स से, तो सजा हुआ था उनसे। ठीक है, यही लिख सकते हैं हम कि वो कॉम्बिनेशन जो था या जो भी ड्रेस वगैरह या शूज़ जो भी लेके आए वो अपनी डॉटर के लिए, अपनी बेटी के लिए, तो यही हो गया कि वो सजा हुआ था उन स्टोन्स से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डेकोरेटेड। डेकोरेटेड मतलब होता है सजाया हुआ, और हिड का मतलब होता है छुपा हुआ, लुक्ड मतलब देखना, प्रेजेंटेड मतलब किसी को कुछ दिखाना, पुट मतलब रखना। तो वो सजा हुआ था या उसमें वो स्टोन लगे हुए थे, तो इनमें से लगा हुआ भी यही आएगा, इट वॉज डेकोरेटेड। तो आफ्टर केयरफुल थाट आई बॉट माई For my daughter, a combination decorated with little shiny stones that could even be mistaken for diamonds. So answer हो गया हमारा fourth. दूसरा question है, one of the issues which were dash in the meeting was raised by Sankey. तो देखो इसमें क्या क्या है, raised, discussed, staged, developed और settled. तो इसमें क्या लिखा है कि Sankey, एक नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो एक इश्यूज़ जो कि डैश था मीटिंग में, वो सेंकी ने रेज किया था। ठीक है, तो इसमें ये तो लिखा नहीं जाएगा कि वन ऑफ़ द इश्यूज़ विच वर रेज्ड इन द मीटिंग वाज रेज्ड बाय सेंकी, दो बार ऐसे नहीं होता। फिर वन ऑफ़ द इश्यूज़ विच वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग वाज रेज्ड बाय सेंकी, हाँ ये हो सकता है कि एक ऐसा इशू जो कि डिस्कस हुआ था मीटिंग में वो सेंकी ने रेज किया था। फिर तीसरा है, वन ऑफ़ द इश्यूज़ विच वर स्टेज्ड इन द मीटिंग वॉज रेज्ड बाई सेंकी। स्टेज का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, और एक परफॉर्मेंस को मतलब ऑर्गेनाइज और हम प्रेजेंट कर रहे हैं उस चीज़ को बोलते हैं। तो इशू को हम स्टेज कर रहे हैं, ये इस पर नहीं फिट बैठेगा। दैट द इशू विच वर इस वन ऑफ द इशूज विच वॉज स्टेज लिख सकते थे, विच वर स्टेज नहीं आएगा। देन वन ऑफ द इशूज विच वर डेवलप, मतलब वहाँ पर डेवलप तो नहीं हुआ मीटिंग में, क्योंकि अगर भाई अगर वो इशू मीटिंग करते वक्त डेवलप हुआ होता तो वो रेज सेंकी रेज नहीं कर पाता, उस इशू को उठा आवाज़ नहीं उठाता उस इशू पे। देन वन ऑफ द इशूज विच वर सेटल्ड इन द मीटिंग वॉज रेज्ड बाय सेंकी, तो एक इशू जो कि मीटिंग में सेटल हुआ वो सेंकी ने रेज किया था। तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा कि ऐसा इशू जो कि डिस्कस हुआ था मीटिंग में, इट वॉज रेज बाय सेंकी। तो जितने भी इशू, मतलब एक इशू, बहुत सारे इशूज में से एक इशू जो डिस्कस हुआ था मीटिंग में वो सेंकी ने उठाया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका टू। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हर्बर्ट वॉज डैश अ पोएट ऑफ रिलीजन, ही एक्सप्लेन्स इन हिज पोएम्स गॉड्स वेज टू मैन। तो हर्बर्ट जो था वो पोएट ऑफ रिलीजन था। अब वो क्या था उसमें, हर्बर्ट वॉज डैश अ पोएट ऑफ रिलीजन, आउट एंड आउट, मैनी, पार्ट एंड पार्सल, सच, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है, हर रेस्पेक्ट में, हर उसमें, मतलब पूरी तरीके से एक पोएट था वो रिलीजन का। ठीक है, हर एस्पेक्ट में। देन मैनी मतलब बहुत सारे, पार्ट एंड पार्सल मतलब किसी चीज़ का बहुत अहम हिस्सा जिसको हम बोलते हैं वो होता है पार्ट एंड पार्सल। सच, सच मतलब नहीं, ट्रुथ वाला सच नहीं है ये, सच एज, जैसे कि किसी को एग्जाम्पल देना है हमें, कोई उदाहरण देना है तो हम सच एज का यूज़ करते हैं, सच का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी किसी भी चीज़ की, जैसे सपोज करो कि कोई क्लोथ आपने पसंद किया, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको देखते ही उसका कलर पसंद आया, सबसे पहले आपकी नज़र उसके कलर पे गई, बाकी बाद में आपने उसका डेकोरेशन या लेस डिज़ाइन या कुछ और सब चीज़ें देखी,
वो अलग बाद में देखा आपने कि उसकी बॉर्डर कैसी है, उसका कट कैसा है और ये सब, लेकिन एक ड्रेस देखते ही आपको सबसे पहले उसका कलर पसंद आया, तो वो चीज़ हो गई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो हर्बर्ट जो था वो पोएट ऑफ रिलीजन था, तो इसमें कौन सा सबसे फिट बैठेगा, आउट एंड आउट अ पोएट ऑफ रिलीजन, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली वो एक पोएट ऑफ रिलीजन था। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेट डैश डेप्थ इज रिक्वायर्ड टू बी अ टीचर ऑफ फिलॉसफी। अगर आप फिलॉसफी के टीचर हो तो आपको कैसी बहुत किस चीज़ मतलब कैसी नॉलेज होनी, बहुत गहराई में क्या होना चाहिए, आप में इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंटेलिजेंट डेप्थ होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स डेप्थ होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेप्थ होनी चाहिए, इंस्ट्रक्टिव डेप्थ होनी चाहिए या फिर इनसफरेबल डेप्थ होनी चाहिए। इंस्ट्रक्टिव मतलब यूजफुल और इंफॉर्मेटिव डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है, और इनसफरेबल मतलब इनटॉलरेबल डेप्थ होनी चाहिए। तो ये दोनों तो वैसे ही निकल गए, ऐसा नहीं होता है। इनटॉलरेबल मतलब जो किसी से सहन नहीं की जाए इतनी डेप्थ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंट डेप्थ, इंटेलिजेंट के साथ डेप्थ नहीं होता, फिर ग्रेट इंटेलिजेंस लिखते हैं हम, इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, या फिर ग्रेट इंटेलेक्चुअल्स, ये प्लूरल हो गया, ठीक है, प्लूरल नहीं लिखेंगे हम, सिंगुलर लिखेंगे। तो ग्रेट इंटेलेक्चुअल इज नीडेड और इज रिक्वायर्ड टू बी अ टीचर ऑफ फिलॉसफी। तो अगर आपको फिलॉसफी का अध्यापक होना है, टीचर होना है, तो आपको आपकी जो इंटेलेक्चुअल, आपकी जो दिमाग की जो डेप्थ होनी चाहिए, एकदम सोचने की जो क्षमता होनी चाहिए आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ग्रेट इंटेलेक्चुअल डेप्थ होगा। तो 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज अ प्रीवियस केस टेकन एज एन अथॉरिटेटिव एग्जाम्पल फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसीजर ऑफ और केसेस। तो एक प्रीवियस केस जिसको हम एक एग्जाम्पल की तरह लेते हैं आगे के केस सॉल्व करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिसीडेंट, प्रेसिडेंट, प्रिसीडेंस, प्रैक्टिकल, इमोल्यूमेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होगा, बाद वाले, ये तो मैंने बता ही दिया। प्रिसीडेंट का मतलब एक कोई अर्लियर इवेंट हुआ है, वो हो गया प्रिसीडेंट। देन प्रिसीडेंस मतलब द स्टेट ऑफ कमिंग बिफोर अदर्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। तो अगर हम किसी एक को बाकी से आगे लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रेसिडेंस, मतलब प्रिसीडेंस। और इमोल्यूमेंट होता है सैलरी, इमोल्यूमेंट मतलब सैलरी होता है, ठीक है। तो अब इसमें ये क्या है, इन सब केसेस से इसको आगे लाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंस, यानी कि प्रेसिडेंस इज अ प्रीवियस केस टेकन एज एन अथॉरिटेटिव एग्जाम्पल फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसीजर। अगर आपको इनके मीनिंग पता होंगे तो ईजिली आप सॉल्व कर पाओगे। तो प्रेसिडेंट जो है उसका मतलब क्या है, एक पहले कोई इवेंट हुआ उसके बारे में बात हो रही है, और प्रेसिडेंस क्या होता है, जैसे एक बहुत सारे इवेंट्स हैं उसमें सबसे पहले जिस इवेंट को रखा गया है उसे बोलते हैं प्रेसिडेंस। तो इस इवेंट को यानी कि प्रेसिडेंस को एक प्रीवियस केस लिया गया है जो कि बाकी केसेस सॉल्व करने में काम आएगा, तो बाकी केसेस को उसके पीछे रख दिया, तो इसका आंसर हो गया प्रेसिडेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है, आलोक इन्फॉर्म मी अबाउट द एक्सीडेंट विच हैड डैश 4 days बिफोर। तो आलोक ने मुझे एक एक्सीडेंट के बारे में बताया जो कि 4 दिन पहले हुआ था, तो हमें हुआ था लिखना है, विच हैड डैश 4 days बिफोर, 4 दिन पहले जो हुआ था, तो विच हैड टुक प्लेस, विच हैड टेकन, तो ये तो आएगा ही नहीं, विच हैड अकर्ड ये आ सकता है, विच हैड हैपन्ड ये भी नहीं आ सकता, और विच हैज पास्ड तो चला गया तो ये भी नहीं आ सकता, विच हैड अकर्ड और विच हैड टुक प्लेस आ सकता है। तो देखो, जब हम अगर टुक प्लेस लिखेंगे तो वो लिखेंगे विच टुक प्लेस, हैड नहीं आएगा उसमें, अगर यहाँ है, अगर यहाँ पे हैड नहीं होता तो इसका आंसर हो जाता विच टुक प्लेस 4 days बिफोर, लेकिन इसमें हैड लगा हुआ है तो इसमें आएगा विच हैड अकर्ड, जो 4 दिन पहले हुआ था उस एक्सीडेंट के बारे में मुझे आलोक ने बताया। अकर्ड मतलब एग्जिस्ट करती है, जो चीज़ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3rd, दैट इज इट हैड अकर्ड, अगर टुक प्लेस आता तो उसमें हैड नहीं आता, विच टुक प्लेस बिफोर, सॉरी 4 days बिफोर, ठीक है। अब दूसरा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीइंग हिज डेड फादर इन अ मूवी द लिटिल बॉय इज थ्रिल्ड Because the sight brings his father to him. तो अपने मरे हुए बाप को मूवी में देख के छोटा बच्चा बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस चीज़ उसको ये नहीं समझ में आया कि उसका बाप मर गया उस मूवी में, बस उसको ये समझ में आया कि हाँ उसके पापा दिखे उसको। लेकिन जो उसकी मॉम थी, दूसरे तरफ देखा जाए तो she finds the scene dash because it increases her grief 100-fold, ठीक है। तो
लेकिन उसकी मॉम जो थी उन्होंने उस सीन को, उन्हें वो सीन काफी क्या लगा ये भरना है हमें, उन्हें वो सीन कैसा लगा, क्योंकि उनकी उनका जो ग्रीफ है, उनका जो दुख है वो बहुत बढ़ गया उस सीन को देख के, तो उन्हें वो सीन कैसा लगा। थ्रिल्ड, वो भी बहुत खुश हो गई, तो ऐसा नहीं हो सकता। शी फाइंड्स द सीन अनलाइक, अनलाइक एक अलग चीज़ में यूज़ कर सकते हैं हम, अनलाइक मतलब दूसरे से अलग, तो ये इसमें यूज़ नहीं हो सकता। एंथुजियास्टिक, बहुत उनमें एंथुजियाज्म आ गया, बहुत जोश आ गया उस सीन को देख के, ये भी नहीं हो सकता। शी फाइंड्स द सीन अननेसेसरी, अननेसेसरी की वजह से ग्रीफ नहीं आएगा। अगर आपको लगती है कि ये चीज़ बेकार है तो उससे आपको दुख नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। शी फाइंड्स द सीन अनबियरेबल, जो कि उन वो झेल नहीं सकती। जैसे हम कई बार इंग्लिश और हिंदी को मिला के बोलते हैं ना, अनझेलेबल है ये सिचुएशन, तो वो चीज़ हो गई। तो ये झेल नहीं सकते, वो वाला आएगा कि उन्हें वो सीन वो झेल नहीं पाई, क्योंकि उस सीन ने उनका दुख बहुत बढ़ा दिया। तो इट वॉज अनबियरेबल फॉर हर, बियर करना मतलब किसी चीज़ को झेलना, तो वो जो सीन था वो अनबियरेबल था, उसको झेल नहीं पाई। तो आंसर हो जाएगा हमारा फिफ्थ। नाउ नेक्स्ट इज मुल्क राज आनंद इज वन ऑफ द मोस्ट डैश इंडो एंग्लियन नॉवेलिस्ट एंड स्टोरी राइटर्स ऑफ टुडे। तो मुल्क राज आनंद जो है, आज के जो स्टोरी राइटर्स हैं, नॉवेलिस्ट हैं, इंडो एंग्लियन जो हैं, उनमें से एक है। क्या है? एन एमिनेंट, अ फेमस, नोटोरियस, एमिनेंट, बेस्ट। तो एमिनेंट मतलब होता है रेस्पेक्टेड और डिस्टिंग्विश्ड। जैसे सपोज करो कि सारे एक्टर्स हैं, उसमें से अमिताभ बच्चन एक एमिनेंट एक्टर हैं, ठीक है, बहुत जानने वाले हैं उनको, बहुत पहचानने वाले लोग हैं उन्हें, तो वो एक एमिनेंट एक्टर हैं, ठीक है। तो एमिनेंट हमें दो तरह दे रखा है, ठीक है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट, अफेमस नहीं आएगा, ही वॉज, यूं लिख सकते हैं कि मुल्क राज आनंद इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, ठीक है, तो अफेमस नहीं आएगा। ही इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट, तो मोस्ट भी लिख दिया और बेस्ट भी लिख दिया, तो वो भी नहीं आ सकता। मोस्ट नोटोरियस, नोटोरियस जो है वो गलत वर्ड के लिए यूज किया जाता है, मतलब वो बहुत बेकार स्टोरी राइटर है, बहुत बेकार है, तो वो नहीं आएगा इसमें। नॉवेलिस्ट जो है वो अच्छे राइटर में गिने जाते हैं, नोटोरियस में नहीं। तो अब आएगा एन एमिनेंट और एमिनेंट, तो अब इन दोनों को लगा के देखो, मुल्क राज आनंद इज वन ऑफ द मोस्ट एन एमिनेंट इंडो एंग्लियन, तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इट वॉज, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट, तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे हमारा वॉवल आ रहा है, जैसे हमारी ए ई आई ओ यू सब वॉवल होते हैं तो उनके आगे एन लगता है, लेकिन इस सेंटेंस में इनके आगे, इसके आगे एन नहीं लगेगा। मुल्क राज आनंद इज वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंडो एंग्लियन नॉवलिस्ट। आंसर हो जाएगा हमारा इसका फोर्थ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, डैश एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मस्ट रीड ऑल द बेस्ट ड्रामाज ऑफ शेक्सपियर। तो हर एक स्टूडेंट जो कि इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साहित्य पढ़ता है, उसे जो शेक्सपियर हैं, एक राइटर हैं, उनकी सारे बेस्ट ड्रामा पढ़ने चाहिए। तो ये इसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को, इंग्लिश लिटरेचर के हर स्टूडेंट को बेस्ट ड्रामास पढ़ने चाहिए शेक्सपियर के, ठीक है। फिर दूसरा है अकॉर्डेंस विद, अगर देखा जाए तो हर स्टूडेंट जो इंग्लिश लिटरेचर का, उसको ये सब पढ़ना चाहिए। फिर आएगा तीसरा इन माई ओपिनियन, मेरे हिसाब से, ये भी है मेरे ओपिनियन में ऐसा पढ़ना चाहिए। इन प्लेस ऑफ माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा हो सकता है कि हर स्टूडेंट को जो है इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहिए। फिर फ्रॉम माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन से आप देखें तो हर स्टूडेंट को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहिए। तो आप किसी पर थोप नहीं सकते हो कोई चीज़, तो आप अपना सिर्फ ओपिनियन दे सकते हो इसमें। तो इसमें आ जाएगा अकॉर्डिंग टू मी नहीं आएगा, आप कोई बहुत बड़े तोप इंसान नहीं हो कि आपके हिसाब से हर किसी को पढ़ना चाहिए, हो सकता है आपका हिसाब गलत हो। तो इन माई ओपिनियन आप ये लिख सकते हो कि मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये ऐसा मानना है कि हर स्टूडेंट जो इंग्लिश लिटरेचर का, उसे सारे बेस्ट ड्रामास पढ़ने चाहिए। अब वो चाहे पढ़े चाहे नहीं पढ़े, वो उसकी हेडेक है, लेकिन आप ऐसा मानते हो, आपके हिसाब से नहीं होती हर चीज़ ना, तो आप ऐसा मानते हो कि उन्हें पढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर थ्री होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि आपके हिसाब से हर चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर आप बहुत किसी फील्ड में बहुत अच्छे हो, जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर की बहुत महान साहित्यकार हो, तब आप ये लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू मी हर स्टूडेंट को ये चीज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं हो, तो आप ये लिखोगे इन माई ओपिनियन हर स्टूडेंट जो है इंग्लिश लिटरेचर का, उसे बेस्ट ड्रामास जो है शेक्सपियर के, वो पढ़ने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आफ्टर शीतू डैश द मैगजीन्स एंड नॉवेल्स, शी डिसाइडेड टू गो आउट एंड मीट सम फ्रेंड्स। तो जब
शीतू ने कुछ मैगजीन और नॉवेल्स पढ़ लिए, उसके बाद उसने सोचा कि वो बाहर किसी से मिल अपने फ्रेंड से मिलने जाए। तो आफ्टर शीतू रेड द मैगजीन, आफ्टर शीतू हैड बीन रीडिंग, आफ्टर शीतू हैड रेड द मैगजीन, आफ्टर शीतू विल हैव रेड द मैगजीन, आफ्टर शीतू रीडिंग द मैगजीन। तो रीडिंग कब हम यूज़ में लेंगे? जब चल रही है, ठीक है, प्रेजेंट में, ठीक है। फिर यह है आफ्टर शीतू रेड द मैगजीन, जब उसने मैगजीन पढ़े तब। आफ्टर शीतू हैड रेड द मैगजीन, आफ्टर शीतू विल हैव रेड। तो विल जो है हमारा वो फ्यूचर में काम में आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब रेड और हैड रेड में से आएगा, तो हमें ये बताना है, हमें इसमें ये बोला है कि जब शीतू ने नॉवेल्स और मैगजीन्स पढ़ लिए तब उसने सोचा कि वो बाहर जाए और अपने कुछ फ्रेंड से मिले। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा हैड रेड। आफ्टर शीतू हैड रेड द मैगजीन, जब उसने पढ़ लिए। हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर में यूज में आता है, हैड जो है वो पास्ट का है। तो जब उसने पढ़ लिए मैगजीन्स और नॉवेल्स तब उसने सोचा कि वो बाहर जाए और अपने कुछ दोस्तों से मिले। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मिसेस लाल जी इन हर मॉडेस्ट वे डैश अ लिटिल एंड स्लिप द चेन इन साइड हर ड्रेस। तो मिस्टर लाल जी ने एक मॉडेस्ट वे में थोड़ा सा, अब क्या किया, एक थोड़ा सा, लिटिल मतलब थोड़ा सा, और चेन जो है उसे अपनी ड्रेस के अंदर उन्होंने डाल लिया। तो मिसेस लाल जी इन हर मॉडेस्ट वे ब्रोकन अ लिटिल, थोड़ी सी वो टूट गई, ठीक है। फिर इन हर मॉडेस्ट वे पुश्ड अ लिटिल, इन हर मॉडेस्ट वे प्रेस्ड अ लिटिल, थोड़ा सा दबाया, पुश किया। या इन हर बेस्ट मॉडेस्ट वे फ्लश्ड अ लिटिल, या इन हर मॉडेस्ट वे स्लिप्ड अ लिटिल एंड स्लिप्ड द चेन इनसाइड हर ड्रेस। तो स्लिप्ड और स्लिप्ड तो दोबारा आ नहीं सकता, ठीक है। तो मिस्टर ब्रोकन मतलब तोड़ भी नहीं सकती, पुश मतलब इन हर मॉडेस्ट वे पुश्ड अ लिटिल, उन्होंने कुछ दबाया, कुछ किसी को धक्का दिया, वो भी नहीं हो सकता। प्रेस किया, दबाया भी नहीं हो सकता। तो फ्लश किया उन्होंने, इन हर मॉडेस्ट वे शी फ्लश्ड अ लिटिल एंड स्लिप्ड द चेन इनसाइड हर ड्रेस, अपनी ड्रेस के अंदर उन्होंने डाली। फ्लश्ड मतलब जब फेस और स्किन रेड हो जाता है ना, फ्लश करते हैं हम, ब्लश करते हैं जिसे बोलते हैं, तो वो शेम के मारे, मतलब वो ब्लश होता है जो हम शेम वो करते हैं, मतलब किसी से शर्मा जाते हैं। तो और फ्लश मतलब जब हमें किसी चीज़ की, मतलब थोड़ा सा हमें शेम आ जाती है हमें, कि हमें वो लगता है कि नहीं यार ये सही नहीं है, ठीक है। बट आती है, मतलब थोड़ा सा ही आता है, हर वक्त नहीं आता, ठीक है। मॉडेस्ट मतलब हम्बल, किसी से आप बहुत हम्बल हो, डिसेंट हो, तो वो चीज़। तो वो डिसेंट वे में एकदम फ्लश किया उन्होंने और उस चेन को अपनी ड्रेस के अंदर डाल लिया, ठीक है। उन्हें शर्म नहीं आई, हल्की सी शर्म आई बट डाल लिया फिर भी। नेक्स्ट, बींग हिमसेल्फ अ लॉयर बाय डैश, तो वो खुद लॉयर है। किससे लॉयर है? प्रोफेशन से, बर्थ से, एजुकेशन से, कंपेनियनशिप से, क्वालिफिकेशन से। एंड ज्यूरिस्ट बाय टेम्परामेंट, अम्बेडकर एम्फसाइज द रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी। तो वो खुद लॉयर थे, किस चीज़ से लॉयर थे? उनका प्रोफेशन था लॉयर, या वो जन्म से लॉयर थे, या वो एजुकेशन से लॉयर थे, या फिर वो किसी के साथ से लॉयर थे, या फिर क्वालिफिकेशन से लॉयर थे। तो इसका सबसे अच्छा होता है कि आप किसी का भी वो बताते हो कि वो क्या काम करता है, तो उससे हम यूज़ करते हैं प्रोफेशन। सो बींग हिमसेल्फ अ लॉयर बाय प्रोफेशन एंड ज्यूरिस्ट बाय टेम्परामेंट, अम्बेडकर एम्फसाइज द रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी। तो एम्फसाइज मतलब क्या होता है? किसी को स्पेशल इंपॉर्टेंस देना। तो वो खुद लॉयर थे प्रोफेशन से, और उनका जो पूरा अंदर उनके था वो ज्यूरिस्ट थे, मन से ज्यूरिस्ट थे। तो अंबेडकर ने एम्फसाइज किया कि हाँ, बताया, वैल्यू बताई कि सोसाइटी में जो लॉ है उसका क्या रोल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, दैट इज प्रोफेशन। तो ही वॉज हिमसेल्फ अ लॉयर बाय प्रोफेशन। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज डैश वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम द इविल्स ऑफ पोल्यूशन। तो हमें पेड़ लगाने हैं ताकि, या जिसके वजह से हम नहीं, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने जो पर्यावरण को है उसको सुरक्षित रख सकें प्रदूषण से। तो वी हैव टू प्लांट मोर ट्रीज सो एज वी कैन, सिंस एज वी कैन, सच दैट वी कैन, सो दैट वी कैन, सच एज वी कैन। तो सिंपल है ये, सो दैट वी कैन होगा इसका। ये तो वैसे भी बहुत सिंपल वर्ड है कि हमें अपने, हमें बहुत सारे प्लांट करने हैं, जो ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ट्रीज़ लगाने हैं, जिसकी वजह से
सो दैट मतलब जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें. सच एज मतलब मैंने बताया था, सच एज हम किसी एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए यूज़ में लेते हैं, सच दैट भी उसी से मैं यूज़ में आएगा. सिंस एज, सिंस मतलब कहीं और से आ रहा है, टाइम पहले के टाइम से आ रहा है, दैट आई वॉज स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 12 ईयर्स या सिंस 4 ईयर्स, तो वो पहले के से आता है, तो वो पास्ट से आता है, तो पास्ट वाला नहीं लिखना है. और सो एज कुछ होता नहीं है, सो एज टू, सो एज अलग चीज़ है एक, सो दैट आना चाहिए, जिसकी जिससे मतलब हमें ज़्यादा पेड़ लगाने हैं जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें, सो दैट वी कैन सेव आर एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज, गांधी जी बिलीव्ड दैट वाइल्ड एनिमल्स अटैक मैन बिकॉज दे वर डैश ऑफ हिम. तो गांधी जी ने बोला कि वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, जंगली जानवर जो हैं, वो इंसान को अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंसान से ठीक है, उसका उसकी देखभाल करते हैं, ठीक है, बिवेयर होते हैं यानी कि कॉशियस होते हैं, अफ्रेड यानी कि डरे हुए होते हैं, पीपल्स ऑफ हिम कुछ है नहीं ऐसे, गिल्टी क्योंकि वो शर्मिंदा होते हैं. तो इसमें क्या होगा, कोई भी इंसान आपको अटैक क्यों करेगा, जब वो आपसे डरेगा, जब भी वो आपको अटैक करेगा ना कि कहीं ये मुझे ना मार दे तो मैं पहले ही अपना वार कर देता हूँ. तो यही आंसर होगा कि गांधी जी इसलिए बिलीव, गांधी जी क्या बिलीव करते थे कि वाइल्ड एनिमल्स जब भी इंसान को अटैक करते हैं जब वो उससे डरे हुए होते हैं. ठीक है, आंसर हो जाएगा 3. एंड द लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स फॉर टुडेज सेशन इज, देयर हैव बीन मैनी फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट एंड पॉलिटिशियंस हु क्लेम दैट दे आर डैश ऑफ द वर्ल्ड. तो ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और पॉलिटिशियन हैं जो कि ये क्लेम करते हैं, जो कि ये दावा करते हैं कि वो इस दुनिया के रहवासी हैं, सिटीजन्स हैं, पीपल हैं, फैमिली हैं या नेबर हैं. तो वो क्या हैं इस दुनिया के, ठीक है, इस दुनिया के वो सिटीजन्स हैं. मतलब वो सिर्फ एक इंडिया के सिटीज़न नहीं है या मतलब कोई भी पर्टिकुलर कंट्री के सिटीज़न नहीं है, वो पूरे देश, पूरे वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के जो हैं, विश्व के सिटीजन्स हैं. ठीक है, नेबर्स नहीं हो सकता, फैमिलीज नहीं हो सकता, पीपल्स भी नहीं हो सकता, पीपल होता है, पीपल्स कुछ होता नहीं है वर्ल्ड. और बींग्स मतलब दे आर बींग्स तो आप ह्यूमन बींग्स तो हो ही खैर, बट दे आर दी सिटीजन. ये चीज़ वो दावा करते हैं कि वो सिटीजन हैं इस पूरे विश्व के. तो आंसर हो जाएगा इसका 2. सो आई होप सारे फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गए होंगे. कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और मैंने कल भी कहा था आपको कि आप अगर किसी और इंग्लिश के लेक्चर पे वीडियो चाहते हो या कोई और चीज़ पे भी वीडियो चाहते हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि हमें इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो वो आपके लिए बना दिया जाएगा. और इस चैनल को जिसका नाम है एजुकेशन शेल्फ लाइव, इसे सब्सक्राइब कीजिए. और जो ये आपको लेक्चर मैं दे रही हूँ उन्हें आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे बाकियों को भी जो है इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके. और मैं आपका कोर्स जो है कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगी आपके एग्ज़ाम से पहले. और बहुत सारे हम जो है फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आप लोगों को वहाँ जो है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एक भी चीज़ सॉल्व करने में बिल्कुल. ठीक है, तो लाइक कर देना गाइस. और हमारा जो है फेसबुक पे पेज है एजुकेशन शेल्फ के नाम से, आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हो. हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, कोरा पे फॉलो कर सकते हो. कोरा पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे. और हमारी जो है वेबसाइट भी है, वहाँ से आप PDFs वगैरह डाउनलोड कर सकते हो. जो GK के करंट अफेयर्स हैं, आप लोगों के 3-4 महीने के या 6 महीने के जितने भी करंट अफेयर्स आते हैं, November 2017 से करंट अफेयर्स आपको PDF फॉर्म में हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे. इन सब के लिंक जो भी मैं ग्रुप्स, वेबसाइट या अपने अकाउंट्स, ट्विटर, कोरा, फेसबुक, ये जब बोल रही हूँ, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. दूसरी बात, ग्रेडअप पे SBIPO के लिए मैं क्विज भी बनाती हूँ, तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरी क्विजेज जो है वो सॉल्व कर सकते हो. और जो जनरल अवेयरनेस के, आपको जो जनरल अवेयरनेस की जो करंट अफेयर्स हैं रोज के, वो मैं अपने दूसरे चैनल पे जिसका नाम एजुकेशन शेल्फ है उस पे अपलोड करती हूँ. द हिंदू से एक स्टैंडर्ड पेपर है एकदम, तो आप वहाँ से उन्हें पढ़ सकते हो. ठीक है, इन सब के लिंक, सारे चैनल्स के जितने भी मैं चैनल चलाती हूँ, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे. और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे पुश कर दें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो. और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में जो है इस वीडियो को देखें, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा.
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।